नमस्कार, मैं हूँ रोली खन्ना। अमर उजाला .com से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। और हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर संसदीय सीट है उसका कुटलैहड़ जो ये विधानसभा क्षेत्र है, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कि चुनावी समीकरणों के बारे में हमसे बात करेंगे और जनता के मन में क्या चल रहा है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या करते हैं आप? मैम अभी तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं जी। तो ये बताइए कि चुनाव का माहौल क्या चला है, तो खाली भी समय होगा, रोजगार के साथ साथ आप इस समय चर्चा भी कर रहे होंगे चुनाव पर। जी जी। तो क्या चर्चा चल रही है आपकी? मैम चर्चा तो यहाँ पे जो है वो दोनों ही पार्टियों के पक्ष में चल रही है, लेकिन जो इसमें मुख्य मुद्दे हैं, जो विकास हुआ है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा चल रही है। दोनों पार्टियों पे चर्चा तो चलेगी, लेकिन जनता जा किसके साथ रही है? जनता जो है वो इस बार फिर से मोदी के साथ जा रही है, और जो अनुराग जी यहाँ से सांसद हैं उन्हीं को फिर से जिताना चाहती है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, क्या नजर आ रहा है कि क्या समस्याएं हैं, क्या काम है जो पूरे हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, जिस पर आपको अभी लगता है कि होने चाहिए? बीते जो कार्यकाल है उसकी बात करें तो क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का भी यहाँ पे विकास हुआ है, थोड़ा मिनी PGI सैटेलाइट सेंटर बना है, रेलवे का विकास हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लठियाणी मंदली पुल जो कि हाल ही में उसको मंजूरी मिली है, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए भी उसका तो सब काम। आप संतुष्ट हो गए सब काम से? नहीं, अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर और काम होना चाहिए। जैसे? जैसे एक क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं है, बहुत कम सोर्सेज हैं, हमारे युवाओं को जो है वो बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, काम ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सिंचाई के साधन हैं वो बहुत कम है, किसानी बागवानी पिछड़ती जा रही है। समस्याएं अभी हैं, चुने हुए सांसद को अभी बहुत काम आपके लिए करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम भाई साहब की ओर चलते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कांत शर्मा है। रवि जी, क्या चुनाव का माहौल है, क्या सोच रहे हैं? चुनाव का माहौल अभी चला हुआ है, जोरों शोरों पर चला हुआ है, देवेंद्र भुट्टो और विवेक। ये तो विधानसभा चल रहा है आपका? हाँ जी। ये तो उपचुनाव में अनुराग जी जीत रहे हैं। अच्छा, भारी बहुमत से। तो आप सारे काम काज से सब कुछ संतुष्ट है पूरी जनता? क्या मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है यहाँ पे? अगर बेरोजगारी दूर होगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो सारा कुछ अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आते हैं आपकी तरफ। भाई साहब क्या नाम आपका? नमस्ते, मेरा नाम जोगिंदर देव आ रहा है। जोगिंदर जी, अब थोड़ा सा चुनावी समीकरण जो है वो समझाइए जरा हमारी जनता। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की अपना ही क्षेत्र है, यहाँ पे पांचवीं बार लगातार अनुराग जी जीतने की और अग्रसर हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार जिला ऊना से प्रत्याशी बनाया सतपाल राजादा जी को, तो वो भी अब क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखते हैं कुछ समय में ये क्या बनता है। शायद ऊना का इलाका पड़ता है। हाँ, कुटलैहड़ ऊना का ही क्षेत्र पड़ता है जी। तो अनुराग जी का चुनाव प्रचार अभियान काफी दिनों से चला हुआ है, कांग्रेस का टिकट अभी हाल ही में हुआ है, तो उनका नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद अभी देखते हैं कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है उनका। अभी ऊंट किस करवट, मतलब अभी प्रचार, अभी चुनाव प्रचार में थोड़ी सी आप लग रहा है देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव प्रचार में पिछड़ रही है, पिछड़ रही, जहाँ भाजपा चुनाव प्रचार में काफी आगे चल रही है। आपने देखा होगा पूरे क्षेत्र में झंडे भाजपा के नजर आए, कांग्रेस पार्टी के झंडे नजर नहीं आए हैं। मुद्दा क्या है यहाँ पे लोग जनता का? मुद्दा लोगों का सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा यहाँ चल रहा है। यहाँ भी राम जी हैं? राम जी हैं यहाँ पे। अच्छा। लोग खुश हैं कि राम मंदिर बना है, 500 वर्ष पहले जो उसकी मतलब उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि राम मंदिर बन जाए, तो बन गया है, उससे लोग काफ़ी खुश हैं। धारा 370 हटी है, उसके प्रति भी लोगों में है कि वो हट गई है धारा 370। और स्थानीय मुद्दे क्या हैं? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है जो सभी ना किसी न किसी को जोड़ के रखता है। हाँ, यहाँ से ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन का मुद्दा है, जो कि अनुराग जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि यहाँ पे रेल लाइन बननी है, तो अभी तक उस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, कुछ ही बजट अभी उस पर हुआ है, सर्वे हुआ है, छोटा सा DPR बनी है, और ज़्यादा कुछ इस पर नहीं हो पाया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये था कुटलैहड़ जो कि ऊना जिले में आता है और हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र है उसका एक हिस्सा है। यहाँ की जनता जात किसके साथ रही है ये स्पष्ट तौर पर बता रही है, लेकिन सांसद के लिए, जो सांसद चुनता है उसके लिए चुनौती भी होगी उन मुद्दों को पूरा करना जो पिछला वादा किया था। बट सर, जो बाबा बालकनाथ की ये एक पवित्र भूमि और देवभूमि कहलाता है, उनका प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। और दूसरा, जब से चुनाव शुरू हुए हैं तो ये क्षेत्र जो है चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अचानक से अप्रत्याशित रूप से दल बदल और गुटबाजी प्रभावी हो गई और यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा भी करनी पड़ी। लेकिन
जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जो अप्रत्याशित गुटबाजी और दल बदल की बातें यहाँ पे आई हैं, पार्टियों के बीच में भीतरगाने क्या चल रहा है ये अलग बात है, लेकिन हमारा सरोकार जनता से है। यहाँ बड़सर की जनता क्या सोच रही है, वो चुनावी समीकरणों को किस तरीके से देख रही है, इसके लिए हम यहाँ से जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका सर? सोमदत्त जी, क्या चुनावी परिदृश्य है अभी? जनता बहुत देख रही है, देख रही है कि ये जो पहले हमारे कांग्रेस के होते थे ये अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उनको भी सोच रही है कि इनको वोटो जो इनको देते हैं ना मोदी वाला वोट, ये मोदी लहर में है। तो कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा में आ गया, वोट कितना आ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ गरम गरम चाय, कोई नहीं आप चाय पीते रहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, आप इस चुनावी माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं और वोट देने के बारे में आपका अपना क्या विचार है? बात ऐसी है कि यहाँ पे चुनाव तरह से होना ही था, लेकिन हमारे इंदर लखनऊ संभाग जी ने एकदम से पार्टी बदल दी, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी राहत पहुँचा है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये तो हो गया विधानसभा, लेकिन इसका असर संसदीय चुनाव जो है, चुनाव के ऊपर आपको पक्का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो बड़सर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कांग्रेस की टिकट दी गई है सुभाष डडवाली जी को, तो वो काफ़ी मतलब 10-11-12 सालों से मतलब पार्टी के साथ अछूते थे और जिन लोगों ने काम किया उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन हमारे एक प्रत्याशी हैं मिस्टर विशाल शर्मा जी जो कि जो अभी नॉमिनेशन भर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो बड़सर को आगे लेके जाएं। तो आपने अपना मत क्लियर कर दिया है जी। अब हम चलते हैं, आप बताइए सर चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? आप देखते हैं अंदाज में, अभी तय करेंगे, तय करेंगे, अभी तय नहीं किया किसको वोट देना है। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं और हमारे साथ हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोच रहे हैं, आपका युवा मंडली क्या सोच रही है? युवा मंडल का सोचना ऐसा है मैम कि डडवाणी जी खड़े हुए हैं कांग्रेस के लिए, उनको टिकट मिला, बट ऐसा है बात ऐसी है कि वो बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे। हमारे एक बड़े भाई हैं विशाल शर्मा जी उर्फ बाबू भाई, तो उनको मिला टिकट, उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस, तो वो आजाद से खड़े हो रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं सपोर्ट। आप उनको कर रहे हैं जी, उनके मुद्दे हैं बेरोजगारी और जितने भी यहाँ लोकल इश्यूज चले हैं इस टाइम। क्या समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम। अब युवा पढ़ा लिखा युवा है, वो एम टेक लेके घूम डिग्री लेके घूम रहे हैं, मास्टर डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो इस टाइम बेरोजगार है और सरकार इसके ये कुछ नहीं कर रही है, जो करंट सरकार है पिछली ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कि पिछली ने कुछ किया बेरोजगारी के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो बाबू भाई के लिए है। तो माहौल जो बदलेगा तो क्या लगता है कि जिसे भी आप अपना चुनेंगे, हमें आप किसे चुनेंगे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो आपकी मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं वो क्या आने वाले वो तो मैम आने वाले समय बताएगा कि समस्या सुधरेगी, की समस्या और बिगड़ेगी, कि ऐसा ही माहौल रहेगा जैसे पहले चला। बेरोजगारी आपके हिसाब से यहाँ पे यूथ में? तो ये थी बड़सर के जो निवासी हैं, जिसमें हर उम्र के लोगों को हमने देखा, युवा भी हैं और वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ के हैं, वो क्या सोच रहे हैं, बदलाव को तैयार हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं। नतीजा 4 जून को सबके सामने आएगा, फिर मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में ही किसी दूसरी विधानसभा में, तब तक के लिए रोली खन्ना का नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।